हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर वेक्टर। तो दिस विल बी अवर फिफ्थ लेक्चर ऑन वेक्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, दो तीन। तो लिखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। Find for what value of x the vectors c is equal to x minus 2 times vector a plus vector b and vector d is equal to 2x plus 1 टाइम्स वेक्टर ए माइनस बी आर कोलिनियर। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। कीपिंग दैट इन माइंड, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। जो मेरे ए और बी वेक्टर्स हैं, दे आर नॉन कोलिनियर। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास LHS में ए और बी के टर्म्स में एक वेक्टर दे रखा है और RHS में ए और बी के टर्म्स में वेक्टर दे रखा है, और हमें दे रखा है कि ए और बी नॉन कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली विल इक्वेट द कोफिशियंट्स, ठीक है ना। तो दैट यू हैव टू डू, जो कि तुम लोग फिजिक्स में शायद पढ़ते भी होगे। तो करते हैं हम इक्वेट, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर सी और डी मेरे कोलिनियर हैं तो क्या होता है, हमारा वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो आई कैन से इफ सी एंड डी आर कोलिनियर, तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, इट इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर डी, मतलब सी और डी इधर उठा के रखो और फिर क्या करो, फिर ए और बी के कोफिशियंट्स कंपेयर कर लो दोनों साइड। तो करते हैं, चलो। तो ये हो गया एक्स माइनस टू टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 1 वेक्टर ए माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। देखो एक बार, मैंने क्या लिखा, सी वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स माय वेक्टर डी, वेयर माय लैम्डा इज स्केलर, सी एंड डी आर वेक्टर्स। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि इस साइड मेरे को ए और बी का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, इस साइड भी ए और बी का कॉम्बिनेशन दे रखा है, एंड सिंस माय ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर सो आई कैन इक्वेट द कोफिशिएंट्स डायरेक्टली। तो इधर से मेरे को क्या मिला, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 1 एंड इधर बी का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू इधर बी का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 1, उसको मैंने उठा के इसमें रख दिया। तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस 1। तो इधर से हमको 3x इज इक्वल टू 1 मिला, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3। तो द वैल्यू ऑफ x इज 1/3। क्या वैल्यू है ये x की 1/3, सच दैट अगर मैंने सी ओ डी में रखा तो सी ओ डी विल बी कोलिनियर, ठीक है। तो पहली तो हमारी इक्वेशन ये थी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर सी ओ डी कोलिनियर है तो वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर d। और दूसरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट हमारी ये थी कि जब हमने इसमें रखा उसके बाद फिर हमने इक्वेट किया वेक्टर a का कोफिशियंट और वेक्टर b का कोफिशियंट्स। क्यों किया, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, अगर a और b नॉन कोलिनियर होते हैं तो वी कैन इक्वेट द कोफिशियंट्स। एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में दिया ही था। चलो इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर देखते से तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अगर मुझे ए और बी में कोई LHS में एक वेक्टर दे रखा है और RHS में ए और बी के टर्म्स में दे रखा है तो आई हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट, सबसे पहली बात। और फिर उसने दे रखा है कैपिटल वेक्टर ए इज इक्वल टू p प्लस 4q टाइम्स वेक्टर a प्लस 2p प्लस q प्लस 1 टाइम्स वेक्टर b। एक उसने वेक्टर कैपिटल a डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, वेयर माई p एंड q आर सम स्केलर, ठीक है। और एक वेक्टर b दिया है कैपिटल b इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस q प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस 2p माइनस 3q माइनस 1 टाइम्स वेक्टर b। और दे रखा है इफ 3 टाइम्स वेक्टर a इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर b देन डिटरमाइन p एंड q।
देन डिटरमाइन पी एंड क्यू. फाइंड पी एंड क्यू लिख लो इधर, फाइंड स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू. ठीक है, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दीज वेक्टर्स इन दिस इक्वेशन. एंड फिर क्या करेंगे, फिर दे रखा है ए और बी नॉन कोलिनियर है, तो इस साइड मेरा ए और बी, इस साइड ए का कोफिशिएंट और इस साइड ए का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, इस साइड बी का कोफिशिएंट और इस साइड बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, बिकॉज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर नॉन कोलिनियर, नॉट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. ठीक है ना, उसके बाद फिर जो हमें वैल्यू मिलेंगी पी और क्यू की, दैट विल बी अवर आंसर. तो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से रखो इधर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. तो चलो इसमें रख देते थ्री टाइम्स वेक्टर ए, तो ये हो गया पी प्लस फोर क्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस थ्री टाइम्स टू पी प्लस क्यू प्लस वन टाइम्स वेक्टर बी, ये मेरा एल एच एस बना. और आर एच एस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, तो ट्वाइस ऑफ माइनस टू पी प्लस क्यू प्लस टू टाइम्स वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ टू पी प्लस माइनस थ्री क्यू माइनस वन टाइम्स वेक्टर बी. नाउ वी नो कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देयरफॉर ए का कोफिशिएंट इधर जो है वो इसके बराबर और बी का कोफिशिएंट इधर जो है वो इसके बराबर. इससे क्या होगा, हमें पी और क्यू में दो इक्वेशंस मिलेंगी, लीनियर इक्वेशंस. यू हैव टू सॉल्व दोस इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, आई विल राइट डाउन द आंसर्स. ठीक है, चलो इक्वेशन लिख देते हैं. इधर से क्या बनेगा, थ्री पी प्लस ट्वेल्व क्यू, दिस इज ए का कोफिशिएंट. एंड उधर मेरा ए का कोफिशिएंट क्या रहा है, माइनस फोर पी प्लस टू क्यू प्लस फोर, दिस इज माई इक्वेशन वन. एंड इधर से मेरे को मिलेगा सिक्स पी प्लस थ्री क्यू प्लस थ्री इज इक्वल टू, उधर से बी का कोफिशिएंट फोर पी माइनस सिक्स क्यू माइनस टू, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है ना, यू हैव टू एलिमिनेट, जस्ट यू हैव टू एलिमिनेट, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करो दूसरे का आंसर आएगा, फिर दोबारा इसमें रखो, यू विल गेट अनदर वेरिएबल का वैल्यू. तो मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करना इन दोनों को. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट पी इक्वल्स टू टू एंड क्यू इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक है ना, एक बार पुट करके भी देख सकते हो, इसमें ये दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, क्लियर हुआ. चलो अब थोड़ा इससे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं सेम लॉजिक पे. ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. देखो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले जेईई मेंस में आ चुका है, जो अभी मैं दे रहा हूँ. ठीक है ना, मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, इस कैटेगरी का, कैटेगरी का ऑलमोस्ट सेम ही था, आई थिंक डाटा डिफरेंट था. बट देखो, लेट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर. इसका मतलब क्या है, इतने स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, और उसने बोला है इन तीनों में से कोई भी दो उठाओ, लेट से मैंने ए और बी उठाया, दोस टू विल बी नॉन कोलिनियर. ठीक है, या फिर बी और सी उठाओ, दोस टू विल बी नॉन कोलिनियर, या फिर ए और सी उठाओ, दोस टू विल बी नॉन कोलिनियर. इतना अभी जो लिख पाया इसका मतलब. ठीक है ना, नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब कोई भी दो उठाओगे दे आर नॉन कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है. इसका मतलब क्या है, दो दो का पेयर जो भी तुम उठाओगे दे ऑल आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इफ ए प्लस टू टाइम्स वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर सी एंड वेक्टर बी प्लस थ्री टाइम्स वेक्टर सी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए, देन फाइंड. अच्छा चलो ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा अपन इंटीजर टाइप बना देते हैं. एंड इफ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू लेमडा सी, फाइंड लेमडा. चलो के लिख लेते हैं इसको, लेमडा ना लिख के, के टाइम्स वेक्टर सी, के इज ए स्केलर. ठीक है ना, फाइंड के, मतलब क्वेश्चन ये था बेसिकली, मैंने उसको इंटीजर टाइप बना दिया. क्वेश्चन ये था कि फाइंड ए प्लस टू बी इन टर्म्स ऑफ सी. ठीक है ना, मुझे ए प्लस बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ सी, तो मैंने उसको इंटीजर टाइप बना दिया. इधर लिख दिया के सी, वी हैव टू फाइंड के. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन. तो पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से ट्राई करो. ठीक है, और आएगा, बहुत से बच्चे कर लेंगे इसको सॉल्व, आई नो. ठीक है ना, तो गिव इट अ ट्राई. नाउ आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो इसने दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर उठाओ
वो नॉन कोलिनियर है. तो ऑफकोर्स हमें क्या करना है, मतलब माई टास्क इज कि इक्वेशंस मिल जाए मुझे, जैसे LHS में भी A और B लिखा हो, RHS में भी A और B लिखा हो, फिर हम इक्वेट करते हैं कोफिशियंट्स लाइक दैट वे, ठीक है ना. तो अब हम इस फैक्ट का यूज करेंगे, इस लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं. मैंने बोला A प्लस 2B है वो कोलिनियर है C के साथ, तो व्हाट आई विल से कि ये जो वेक्टर है विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ C. मैंने बोला A प्लस 2B इज कोलिनियर विद वेक्टर C. सो इसी लाइन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B इज सम कांस्टेंट, लेट्स से मैंने उसको लैम्डा बोल दिया, लैम्डा टाइम्स वेक्टर C, ठीक है. उसी प्रकार अब ये वाली इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, उसने आगे यही चेंज दे रखा है, बी प्लस 3 सी इज कोलिनियर विद ए. तो मैं क्या लिखूंगा कि बी प्लस 3 सी इज विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए. तो बी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी इज इक्वल टू, अच्छा स्केलर दूसरा स्केलर हो सकता है, जरूरी नहीं कि लैम्डा ही हो. तो मैंने मान लिया लेट्स से इट इज म्यू, म्यू टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है. अच्छा अब क्या करें, अब देखो अब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी कि मुझे क्या चाहिए, ए प्लस 2b इन टर्म्स ऑफ सी चाहिए. तो इफ यू सी दिस इक्वेशन व्हाट आई वांट बेसिकली लैम्डा ओनली, आई वांट लैम्डा ओनली, मैंने के की जगह लैम्डा लिखा है बस. तो अब क्या करें, देखो जब याद करो जैसे कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि अगर मान लो जैसे तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते थे ए बी सी, तो अब हम क्या करते थे, LHS में कुछ वेक्टर दिया होता था ए बी सी के टर्म्स में, RHS में दिया होता था, फिर हम ए बी सी के कोफिशिएंट इक्वेट करते थे. बट वो कब करते थे, जब ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर हो, ठीक है ना. तो अब दिख भी रहा है तुम्हें वैसे भी, अगर मान लो तुमने सोचा कि चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी माइनस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, फिर बोलोगे सर इधर तो कोफिशिएंट ऑफ ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है. तो फिर आपने लिखवाया था, वो मैंने कब बोला था, जब ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, तब हम ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट सी का कोफिशिएंट 0 बोलते थे. क्या बोला था मैंने, जैसे ऐसे लिखवाया था तुमको, लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी प्लस लैम्डा 3 वेक्टर सी, अगर 0 दिया है, अगर 0 दिया है तो मैं क्या बोलता था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों 0 होंगे प्रोवाइडेड ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर. बट इधर ऐसा नहीं दिया ना, नो नॉन कोप्लेनर तो नहीं दिया, इसीलिए दिख भी रहा है कि ए का कोफिशिएंट बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट 0 तो नहीं है, पक्की बात है, ठीक है. तो अब हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, हम दो वेक्टर वाला यूज करेंगे ना. दो के लिए क्या होता था, जब दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता था LHS और RHS में, तब हम क्या बोलते थे कि वो दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए. तो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि ए बी सी में कोई भी दो उठाओ 100% दोस टू विल बी नॉन कोलिनियर. तो व्हाट आई विल ट्राई विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, व्हाट आई विल ट्राई टू गेट आई विल एलिमिनेट वन वेक्टर सो दैट मुझे क्या मिल जाए, एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें कोई भी दो वेक्टर हो. बस सुनना मेरी बात को, कोई भी दो वेक्टर हो, क्लियर है, तीन ना हो. अगर दो हुए तो फिर मैं कर सकता हूँ इक्वेट कर सकता हूँ LHS को RHS के कोफिशिएंट्स को, क्योंकि दो वेक्टर तो नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल. तो एलिमिनेट करने के लिए कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो, आई एम फाइंडिंग इट ईजी कि बी को एलिमिनेट कर दूँ मैं, ठीक है ना. ए इधर दे रखा है तो इधर ए नहीं है तो एलिमिनेट तो होगा नहीं है. तो मैंने बोला कि आई विल ट्राई टू एलिमिनेट बी. तो बी को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 2b आ गया, इधर 6c, इधर 2μc. अब मैं क्या करूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरा b एलिमिनेट हो जाएगा. तो चलो कर देते हैं, तो वेक्टर a माइनस 6 टाइम्स वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर c माइनस 2μ टाइम्स वेक्टर c. जस्ट अ मिनट, ए प्लस 2 इज कोलिनियर विथ, अरे ये गलत लिख दिया ना, बी प्लस 3c इज कोलिनियर विथ ए दिया था, ये ए होगा, ठीक है ना. तो ये ए होगा, देखो इधर मिस्टेक क्या लिखी थी, इधर ए के साथ कोलिनियर था ना बी प्लस 3c, तो बी प्लस 3c इज म्यू टाइम्स वेक्टर ए, ए के साथ कोलिनियर है ना, इधर मैंने गलत लिखा था, तो इधर ए कर लो. हाँ अब क्या करें, अब इक्वेट कर दो दोनों साइड कोफिशिएंट. तो इक्वेट करने के लिए डायरेक्टली दिख रहा है, अब म्यू निकालना नहीं है वैसे, तो अगर म्यू निकालना होता तो हम म्यू का कोफिशिएंट भी बराबर कर देते ए का कोफिशिएंट, बट हमें सी लैम्डा निकालना है, तो जस्ट इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ सी ऑन बोथ द साइड. क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर, देयरफॉर आई एम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए एंड सी ऑन बोथ द साइड. तो सी का कोफिशिएंट इधर माइनस 6, इधर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 6, वो इसमें रख दी. तो व्हाट यू आर गेटिंग, ए प्लस 2b, ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 6c, ठीक है ना, माइनस 6c. नाउ यू कैन सी दिस, k का वैल्यू क्या बोलूंगा मैं, k इज बेसिकली लैम्डा ओनली, k इज बेसिकली लैम्डा ओनली. आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड,
तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब जब भी कोलिनियर वगैरह दे रखा हो कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि आखिरी में हमें इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन रहा होगा कि मतलब LHS और RHS में वही वाले वेक्टर्स आ रहे होंगे, तो हम इक्वेट कर सकते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चल अब हम कुछ थोड़ा नया पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस हो गए, अब नया टॉपिक, तो कॉपी करो इसको। चलो अब देखते हैं, लिखो टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिख लो ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड, या फिर इन टर्म्स ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है ना। ब्रैकेट लो, दैट इज आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा कि जो हम अभी तक लिखते आ रहे थे ना, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने एक वेक्टर लिखा ओपी वेक्टर, लेट से मैंने लिखा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो अब ये टू होता क्या है, ये आई कैप का कोएफिशिएंट वन होता क्या है, ये थ्री होता क्या है। अब इसका एक्चुअल रीजन, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पता चलेगा कि बेसिकली हम आगे चल के देखेंगे दे आर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। बट अभी के लिए बता रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमें बस इतना पता था कि ये वेक्टर आई कैप का कोएफिशिएंट वन है, बट आज हम ये देखेंगे कि ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये वन आई कैप प्लस टू जे कैप अगर मैंने केवल लिया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखेंगे, और वो भी देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। अभी तक तो हमें पता है जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फिजिक्स में पढ़ा, क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, वो आया कैसे, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माय वाई एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने, ये मैंने y एक्सिस ले लिया, ये मैंने z एक्सिस ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, और दिस इज माय z एक्सिस। अब कोई देखो ये मेरे तीनों ऑर्थोगोनल है, मतलब नॉट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वही लिखवाया मैंने इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा कोई बोलेगा कि z एक्सिस ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि जैसे अगर मान लो ये x एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, लेट से दिस रेड वाला मेरा x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर लेट से वाई एक्सिस ये है, तो मेरा जेड एक्सिस ऊपर भी आ सकता है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, एंड नीचे भी आ सकता है, दिस इज ऑल्सो माई परपेंडिकुलर टू, तो कौन सा लें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जैसे हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को एक्स से लेकर वाई की तरफ कर्ल करेंगे, एक्स क्रॉस वाई, और जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल बी माई डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो अगर मैंने रेड वेक्टर को मैंने एक्स एक्सिस माना, दिस ब्लैक वेक्टर इज माय वाई एक्सिस, तो एक्स क्रॉस वाई करने से मेरा थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो मेरा जेड एक्सिस ये होगा, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऑल्सो, इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो मैं फिंगर्स को कर्ल करूँगा एक्स से वाई की तरफ लेके जाऊँगा, तो व्हाट यू विल गेट, जेड एक्सिस ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आते हैं, अब मैंने क्या किया इसको समझने के लिए, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रूम है, ठीक है ना, ये रूम है, हम ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ बट फिर भी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रूम है, उसका जो एक कॉर्नर है उसको तुम ओरिजिन पकड़ो, विच इज़ माय दिस कॉर्नर, और जो एजेस है तीन, एक को एक्स एक्सिस पकड़ो, एक को वाई एक्सिस, एक को जेड एक्सिस, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, व्हाट आई टोल्ड, यू कैन कंसीडर अ रूम, और उसका एक नीचे वाला कॉर्नर इज अ ओरिजिन, एंड वन एज इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वन एज अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड वन एज अलॉन्ग जेड एक्सिस। यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो अब आते हैं, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया, इस रूम में एक पॉइंट लिया, लेट से दिस इज माई पॉइंट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये पॉइंट तो आपने वाई जेड प्लेन पर लिया है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे जेड एक्सिस, तो दिस इज माई वाई जेड प्लेन, और एक्स एक्सिस बाहर आ रही है, तो ये हवा में एक पॉइंट है, ठीक है ना। इट इज दिस, ये जो पॉइंट लिया है मैंने, दिस इज नॉट इन वाई जेड प्लेन, दिस इज द पॉइंट इन साइड द रूम, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, लेट्स इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया,
तो मुझे क्या मिलेगा, लेट से ये मिला, ये वेक्टर मिला, दिस इज माय ओरिजिन ओ. तो मेरा जो ओ पी होगा, ओ पी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या बताया था, किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं और पॉइंट की तरफ पॉइंट करता है जो वेक्टर उस पॉइंट की तरफ, तो वो क्या होता है, वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. सो दिस इज व्हाट माय पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. ओपी वेक्टर इज व्हाट माय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो जो वेक्टर मिलता है एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर ऑफ दैट पॉइंट. चलो अब देखना, ध्यान से सुनना, अब थोड़ा फील वाला, मतलब इमेजिनेशन वाला चीज है. अब क्या किया, जस्ट थिंक इट कि जो तुमने पॉइंट लिया हवा में, देखो मेरा जो ग्राउंड पे था वो एक्स वाई प्लेन था, वाई जेड एक्सेस ऐसे जा रही है, ठीक है ना. एक कोई मेरा पॉइंट है हवा में, उससे मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला. तो लेट से पी पॉइंट से मैंने एक्स वाई प्लेन पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, लेट से दिस पॉइंट इज क्यू. P पॉइंट मेरा हवा में है, उससे मैंने एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, तो दिस इज व्हाट फिट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन. लिख लो इफ यू वांट टू राइट, व्हाट इज पॉइंट Q, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. Q इज व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन. ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी की मदद से अभी हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना. तो इससे अच्छा समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन. अब सुनना, अब क्या किया हमने, जो क्यू पॉइंट है, जो मेरा ग्राउंड पे एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट पी आया, क्यू आया, सॉरी पी का प्रोजेक्ट, पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उससे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. सो लेट्स से दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, लग नहीं रहा बट इट इज अ परपेंडिकुलर. यहाँ तक तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत कहाँ आती है, अब जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको अगेन तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा, दैट नीड सम विजुलाइजेशन. क्या बोल रहा हूँ कि जैसे देखो, मैंने क्यू से एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, अब मैं बोल रहा हूँ पी से भी अगर तुम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, वो इसी पॉइंट पे जाके गिरेगा. दोबारा एक बार, मैंने बोला क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, तो लेट्स से चलो इसको मार्क कर देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी. तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि अगर मैंने पी से भी परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो बी पॉइंट पे जाके ही गिरेगा. अब जिसके लिए तो मैं विजुलाइजेशन लगेगा थोड़ा, या अगर वाई से वर्सा ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैंने पी और बी को ज्वाइन किया, सुनना ध्यान से, इफ आई ज्वाइन पी एंड बी देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है ना. तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ एंड दिस नीड्स अगेन आई एम सेइंग विजुलाइजेशन. एक्चुअली जो प्लेन बन रहा है ना पी बी क्यू, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ऐसे फील लो तो मे बी इट विल बी क्लियर. और सिमिलरली जैसे कि मैंने अब क्या बोला इधर, Q से मैंने जैसे Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला था, अब मैं Q से X एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, लेट्स से आई एम नेमिंग इट एज A. सिमिलरली अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे फिर मैंने P से Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो B पॉइंट पे जाके गिरा, सिमिलरली अगर मैं P से X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो पक्का क्या करेगा, यहीं जाके गिरेगा A पे. तो दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, जस्ट ट्रस्ट जस्ट विथ मी, कैन यू विजुलाइज इट, दिस विल बी अगेन परपेंडिकुलर. विजुलाइज हो रहा है 3D फिगर पी. देख दोबारा क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार और कहानी. मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था, थोड़ा इधर आ जाता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस. मैंने एक हवा में पॉइंट लिया पी, उसका मैंने फोटो परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे, दैट पॉइंट आई नेम्ड इट एज क्यू. फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यू पॉइंट से अगर मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला और P पॉइंट से Y एक्सिस पे डाला तो वो एक ही जगह जाके गिरेंगे एंड दैट पॉइंट इज B. सिमिलरली P पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला X एक्सिस पे और इस Q पॉइंट से अगर मैंने X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, दैट विल बी सेम एंड दैट पॉइंट इज A. क्लियर है यहाँ तक विजुलाइजेशन? अब क्या करें, अब देखना. और सिमिलरली अब ऐसे भी कर दो, चलो P पॉइंट से Z एक्सिस पे और डाल दो, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज C. तो P पॉइंट से मैंने X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, ठीक है. अब सुनना ध्यान से, अब चलो ठीक है. अब मैंने बोला कि लेट्स से ये जो ओ ए डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से, मैं एक्चुअली ओ पी वैक्टर बता रहा हूँ कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना. अब मैंने मान लिया लेट्स से दिस ओ ए डिस्टेंस इज लेट्स से स्मॉल ए,
ये ओ ए डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए जो लिखा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से दिस ओ बी जो डिस्टेंस है मेरा ओ बी, दैट इज लेट्स से बी स्मॉल बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा स्मॉल बी कॉमा जीरो, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल बी पॉइंट, ठीक है ना। y एक्सिस है तो x एंड z कोऑर्डिनेट्स विल बी जीरो, एंड सिंस ओ बी डिस्टेंस इज स्मॉल बी तो कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, स्मॉल बी। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c विल बी जीरो कॉमा जीरो कॉमा c, अगर मान लो ओ सी डिस्टेंस स्मॉल c है तो। आई होप क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले अभी जो जो मैंने बोला जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है ना, क्योंकि आगे बढ़ूंगा फिर तो चीज़ें भूल जाओगे। तो इफ़ यू वॉन्ट टू नोट सम थिंग्स जो भी तुम्हें लगता है यू जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़े, चलो अब मैंने बोला कि व्हाट इज, अच्छा एक चीज़ और, अब जो ध्यान से देखना मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, जो मेरा जो मैंने पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा था क्यू, तो व्हाट आई एम क्लेमिंग नाउ, ओ ए क्यू बी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओ ए क्यू बी इज व्हाट माई रेक्टेंगल, विजुलाइज कर पा रहे हो, जो ओ जो बेस पे जो बना ना पैरेललोग्राम लग रहा है, दिखने में पैरेललोग्राम लग रहा है बट इट इज़ अ रेक्टेंगल, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये इसके सिमिलरली ये इसके परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होती ही है, तो बेसिकली जो ग्राउंड पे तुम्हें दिख रहा है पैरेललोग्राम दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल, क्लियर हुआ। चलो अब मैंने बोला कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर क्या होगा, ओ ए वैक्टर देखो मेरे को कोई भी वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, वो उसका मैग्नीट्यूड हो मेरे पास प्लस उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हो, तो मुझे पता है ओ ए जो है डायरेक्शन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर विल बी आई कैप, एंड सिंस दिस ओ ए डिस्टेंस मतलब ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्मॉल ए, तो आई कैन राइट ओ ए वेक्टर एज ए टाइम्स आई कैप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओ ए वेक्टर इज ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, ऐसे लिख लो भले, ओ ए वैक्टर इज वॉट, ओ ए वैक्टर को कैसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इसको मैं इसको लिख रहा हूँ बेसिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वैक्टर इंटू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओ ए वैक्टर इज माई ए स्मॉल ए इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैक्टर दैट इज स्मॉल ए इंटू यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन इन आई कैप, ए इज माई मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो सिमिलरली वॉट यू कैन राइट, यू कैन राइट ओ बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर आ गया मेरा ये, ठीक है ना। सिमिलरली मैं ओ बी वैक्टर लिख सकता हूँ, ओ बी, चलो ओ बी लिखते हैं, ओ बी वैक्टर, तो क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर, ओ बी का मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट स्मॉल बी बिकॉज बी के कॉर्डिनेट इज जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, तो बी तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ओ बी के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर क्या होगा, जे कैप, ठीक है ना, बिकॉज हम क्या बोलते हैं आई जे के आर बेसिकली यूनिट वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इफ यू वॉन्ट टू मेक ए नोट ऑफ इट यू कैन मेक इट, कि आई जे के क्या होते हैं बेसिकली हमारे यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। चलो लिख देता हूँ, लिख लो इधर, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप आर यूनिट वैक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आई जे के, तो ओ बी वेक्टर क्या हो गया, बी इंटू जे कैप। सिमिलरली माय ओ सी वेक्टर, ये जो वेक्टर हुआ ओ सी वेक्टर वो मेरा क्या हो गया, ये ओ सी का मैग्नीट्यूड विच इज स्मॉल सी एंड ओ सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के दैट इज के कैप, तो ये हो गया सी के कैप, तो ये चारों चीज बॉक्स कर लो, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर, ठीक है, ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर कॉपी कर लो यहाँ तक। अब मैं इस साइड का पार्ट मिटा रहा हूँ, डायग्राम में नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है, तो पॉज द वीडियो, कॉपी दिस मच पार्ट, तो अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, देखना ध्यान से सुनना,
कि मुझे डायग्राम में कोई भी वेक्टर दिया है, लेट्स से कोई भी डायग्राम दिया है, मान लो ऐसा ये दिया है डायग्राम, मान लो ऐसा कुछ तो डायग्राम दिया है मुझे, मान लो यहाँ से ये वाला वेक्टर चाहिए, लेट्स से दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज पी, तो मुझे मान लो ओ पी वेक्टर चाहिए, तो क्या करते थे हम, ओ से पी तक आते थे फ्रॉम एनी पाथ, और रास्ते में जो जो वेक्टर मिलता था उन सबको ऐड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी, दिस इज माई वेक्टर सी, दिस इज माई वेक्टर डी, तो ओ पी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे मूव करूंगा लाइक दिस वे, ठीक है। तो रस्ते में जो जो वेक्टर आए आई विल ऐड दोज वेक्टर्स, तो व्हाट यू विल गेट, पहले तो ओ से इस पॉइंट पे गए तो वेक्टर ए मिला ए, फिर बी मिला लेकिन बी का इस साइड डायरेक्शन दे रखा है तो आई विल से इट इज माइनस बी, फिर ऐसे मूव किया तो प्लस वेक्टर सी, फिर ऐसे मूव किया प्लस वेक्टर डी, तो दिस इज व्हाट माय ओपी वेक्टर, क्लियर है, ऐसे बताया था मैंने बेसिक्स में। अब उसी तरीके से हम ओपी वेक्टर लिखेंगे। अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से ओपी वेक्टर, अब ओ से पी तक जाना है मुझे, देखना ध्यान से सुनना, ओ से पी तक जाना है तो मैं क्या पाथ यूज़ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनो, व्हाट आई एम यूजिंग इज, पहले मैं ओ से ए गया, देखना मैं पाथ बना दे रहा हूँ, दिस इज माई पाथ, पहले ओ से ए गया, फिर ए से क्यू आया और फिर क्यू से पी गया, दिस विल बी माई पाथ टू गो फ्रॉम ओ से पी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओपी वेक्टर को, अब देखना एक तो मेरा ओ से पी डायरेक्टली लिखा तो दिस इज ओपी वेक्टर, अब मैं लिख रहा हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए से क्यू, ए क्यू वेक्टर प्लस क्यू से पी, क्यू पी वेक्टर, यहाँ तक क्लियर है। ओपी वेक्टर को मैं ओ से पी जा रहा हूँ विद दिस पाथ, रेड वाला जो मैंने पाथ बनाया डार्क इस पाथ से। अब ओ ए वेक्टर क्या होगा, अभी देखा हमने ए आई कैप, सो दिस इज ए आई कैप प्लस ए क्यू वैक्टर। अब कुछ सोचो कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मेरा ओ ए क्यू बी इज अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो जो मेरा ओ बी वैक्टर है वही मेरा ए क्यू वैक्टर है, बिकॉज आई कैन ट्रांसलेट, पैरेललोग्राम वगैरह रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स वाले वैक्टर तो सेम होते हैं ना, तो इफ दिस इज ओ बी वैक्टर देन दिस इज ऑल्सो ओ बी वैक्टर, और मैंने अभी लिखा था ओ बी वैक्टर, ये लिखा है जो नीचे बी जे कैप, तो बेसिकली ये वाला जो मेरा वैक्टर हो गया दैट इज बी जे कैप, तो ओ ए क्यू वेक्टर क्या आ गया मेरा, ए क्यू वेक्टर इज ओ बी वेक्टर, दिस इज माय, मैं बोल रहा हूँ दिस इज ओ बी वेक्टर, और ओ बी को मैंने अभी लिखा बी जे कैप, तो ये हो गया बी टाइम्स जे कैप। एंड लास्टली दिस वेक्टर, ये जो ऊपर जा रहा है ये वेक्टर और ओ सी, क्योंकि मैंने पी से परपेंडिकुलर डाला था बेस पे, तो पी क्यू वेक्टर बेसिकली क्या होगा ओ सी वेक्टर के बराबर, क्यू पी वैक्टर जो है दिस इज बेसिकली ओ सी वैक्टर, और ओ सी वैक्टर मैंने क्या लिखा सी के कैप, तो प्लस सी के कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है हमें, ठीक है ना। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए जो कोई वैक्टर लिखता है उसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है ना। अभी और डिटेल चीज देखेंगे, जस्ट बियर विथ मी। हाँ अब क्या करें, अब इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो हमें पता है, हम जैसे अभी तक रटते हुए आए हुए हैं कि मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं ओपी वेक्टर का, जैसे मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या करते हैं, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो तुम पढ़ते हो, फिजिक्स में ही पढ़ा है, कोई भी मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सी के सी के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बट अभी हम डायग्राम समझेंगे ऐसा क्या आया, ठीक है ना, क्या क्यों आया ऐसा। चलो उसके लिए देखो, अब मैंने क्या किया, इसी डायग्राम बता रहा हूँ, ओ से क्यू को ज्वाइन किया, ओ से क्यू, देखना अब मैं, अब देखना मैंने क्या बोला था, ये जो मेरा ये जो है क्या बोलते हैं ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए क्यू इज माय राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल डेट ए, राइट एंगल डेट ए, राइट एंगल एट कैपिटल ए, कैपिटल ए पे राइट एंगल है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, आई नो दिस साइड इज स्मॉल ए, दिस साइड इज स्मॉल बी, तो ओ क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल देखना मैं क्या ले रहा हूँ, पी ओ क्यू ट्राइंगल, पी ओ क्यू, अगेन दिस इज माई राइट एंगल, राइट एंगल डेट क्यू, बिकॉज पी से मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला था ना और ओ और क्यू को ज्वाइन किया था, तो ओ क्यू जो लाइन है, ओ क्यू जो वेक्टर है वो तो एक्स वाई प्लेन में है, ऊपर से मैंने एक लाइन, ऊपर से मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, तो बेसिकली पी क्यू जो लाइन है मेरा
वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो पी ओ क्यू इज माई राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू. अच्छा अब राइट एंगल है तो अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, ओपी वेक्टर विच इज माई हाइपरन्यूज इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ओपी मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी का स्क्वायर, हाइपरन्यूज का स्क्वायर इज ओ क्यू का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर. जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप ये लिख लिया होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ इतने पार्ट को. हाँ अब सुनना, अब ये ओ पी वैक्टर ओ क्यू वैक्टर मैंने उठा के इधर रख दिया एंड वी नो क्यू पी वैक्टर इज वॉट ओ सी वैक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सी है. तो देखो इधर से मेरे को क्या मिला, ओ पी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ओ क्यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एंड क्यू पी वैक्टर. अब देखो दिस इज माई क्यू पी वैक्टर और ये तो वैक्टर सेम है एंड इसका मैग्नीट्यूड सी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड सी है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर. तो यहाँ से ओ पी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड मिला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हम डायरेक्टली लिखते थे. आज हमने इसका प्रूफ देख लिया, कोई भी वैक्टर पॉइंट कोई भी वैक्टर पी है ओ पी वैक्टर और अगर मान लो इसको हम आई जे के टर्म्स में लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक है ना. प्लस माइनस आएगा बट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वी विल टेक पॉजिटिव साइन. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अब हम फाइनली क्या लिख लेते हैं, ओपी वेक्टर यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर. तो कि कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. तो वो वेक्टर तो मेरा लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो दिस इज वॉट हमने डेरिवेशन किया कोई भी वैक्टर ओ पी का, ठीक है. अच्छा इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें और लिख लेते हैं बट बिफोर दैट जो भी बोर्ड पे लिखा है एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग और हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन आता है क्रॉस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना. डाउट सेशन में पूछो चाहे जैसे भी टाइम मिले वैसे पूछो, ठीक है ना. रब कर दूँ मैं इसको, चलो तो मैं इससे पार्ट को रब कर रहा हूँ, कॉपी करना. देखो अब मैंने बोला कि जैसे अभी हमने जो लिखा ओ पी वैक्टर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना. दिस इज माई ओ पी वैक्टर, ठीक है. अब ध्यान देखना, अब मैं बता रहा हूँ ए क्या है बी क्या है सी क्या है. तो बिफोर दैट एक छोटी सी चीज़ है अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन, एक वर्ड आता है प्रोजेक्शन, शायद तुमने पढ़ा भी होगा फिजिक्स वगैरह में. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मेरी एक लाइन है सेगमेंट है ये, ध्यान से सुनना प्रोजेक्शन क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं. और लेट्स से मेरा एक कोई भी लाइन है ये या वेक्टर है या लाइन है व्हाटएवर. अब मैंने बोला इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, क्या बोला इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन क्या होगा. तो हम क्या करेंगे इसके एक्सट्रीम पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे. तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ जाके गिरा, इससे परपेंडिकुलर डाला यहाँ जाके गिरा. तो ये जो लाइन ये वाला जो पार्ट आया ना इतना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. किसका प्रोजेक्शन, इस वाली लाइन का हमारी इस वाली लाइन पे, चाहे ये लाइन हो चाहे प्लेन हो वन इन द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्लेन भी होता है, लेट्स से मैंने बोला एक प्लेन है मेरा, लेट्स से ये प्लेन है, ठीक है. तो मान लो मैंने बोला इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा इस प्लेन पे, ये डायग्राम बनाना है तुम्हें. तो क्या करेंगे हम जिस भी चीज़ का प्रोजेक्शन निकालना है उसके एंड पॉइंट से फोटो परपेंडिकुलर डालेंगे गिवन वेक्टर पे या गिवन प्लेन पे. तो मैंने इधर से परपेंडिकुलर डाला ये यहाँ जाके गिरा, इधर से परपेंडिकुलर डाला यहाँ जाके गिरा. तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ये बेसिक डेफिनेशन हो गया प्रोजेक्शन का. ये हमारा इधर क्या है, ये प्रोजेक्शन. किसका प्रोजेक्शन, चलो लिख लो. लेट्स से दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर लिख लिया मैंने, चलो ठीक है. गेटिंग इट. तो आप खुद सोचो मेरा ओ क्यू क्या है. चलो मैं इसे डेड डैश लाइन को थोड़ा मिटा रहा हूँ सो दैट थोड़ा थिंग्स विल बी मोर क्लियर. अब देखना मैंने बोला व्हाट इज ओ क्यू वेक्टर, कैन आई से ओ क्यू इज व्हाट
OP का, जो मेरा वेक्टर OP है ना, उसका प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन। OP वेक्टर है, अब मैंने XY प्लेन पे परपेंडिकुलर डालूंगा, O से डालूंगा तो वो तो XY प्लेन पे है तो वो तो वहीं जाके गिरा। P से मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है परपेंडिकुलर, तो मेरा Q पॉइंट है। तो OQ वेक्टर क्या है बेसिकली? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन XY प्लेन। तो लिख लो इसको, पहले मैं इसको ये डायग्राम लिख लेना, बना लेना ये डायग्राम, ठीक है? मैंने बोला लैंग्वेज फॉर्म में पहले OQ क्या है, पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिखो OQ वेक्टर, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन XY प्लेन पे प्रोजेक्शन। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं ये है क्या, मतलब इन टर्म्स ऑफ ABC। तो O से Q तक जाना है मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, तो मैं ऐसे मूव करा, तो क्या ऐसे OA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर, और OA वेक्टर मैंने लिखा ही था, दिस इज AI कैप, तो दिस इज AI कैप प्लस, और जो AQ वेक्टर है वो मेरा OB वेक्टर था, और OB वेक्टर क्या था? BJ कैप, तो दिस इज BJ कैप, तो दिस इज माय, तो ये क्या मिल गया मुझे OQ वेक्टर, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन XY प्लेन। तो नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे XY प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो मैंने I और J के कोफिशिएंट ले लिए। अगर मान लो कोई बोले मुझे OP वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो, लेट्स से कोई बोले अब OP वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो ऑन लेट्स से XZ प्लेन, तो क्या आएगा? X का कंपोनेंट लूंगा, मतलब I का कोफिशिएंट लूंगा, मतलब AI कैप प्लस Z का लूंगा, तो मतलब CK कैप। सिमिलरली अगर कोई ने बोला ऑन XY, ये तो मेरा XY पे हो गया, ये मेरा YZ पे हो गया, अब कोई ने बोला ऑन YZ प्लेन, तो क्या लूंगा? Y का कोफिशिएंट मतलब BJ कैप प्लस Z का CK कैप। तो देखा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें क्या पता चली, अभी तक हमें पता नहीं था बेसिकली। अगर मैं मान लो इन दोनों पॉइंट, इन ये दो, ये वेक्टर ले रहा हूँ तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अब मुझे पता है, अब मैं बोल सकता हूँ कि AI कैप प्लस BJ कैप इज व्हाट, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन। फिर मैंने बोला A प्लस सी क्या होगा, AI कैप प्लस CK कैप ऑन XZ प्लेन, फिर सिमिलरली BJ कैप प्लस CK कैप ऑन YZ प्लेन। गेटिंग इतना कॉपी करा, ये तो मैंने दो दो का कॉम्बिनेशन ले लिया, अब मैं सिंगल सिंगल ले लेता हूँ, A क्या है, B क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, कॉपी दिस पार्ट, ठीक है ना, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, एक बार चलो एक एग्जांपल से देख रहे हैं, एक बार छोटा सा एग्जांपल से और देख लेते हैं। लेट्स से मैंने मान लो ऐसे लिखा, तो मैं लेट्स से OP वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर इन YZ प्लेन क्या होगा? YZ बोला ना, तो Y का और Z का कोएफिशिएंट लेंगे, I कैप का हटा देंगे, तो 2J कैप प्लस K कैप, दिस इज व्हाट वेक्टर, दिस इज प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर इन XY YZ प्लेन विल बी 2J कैप प्लस K कैप। YZ बोला इसलिए मैंने J का और K का लिया है, XY बोलता तो I का और J का लेता, गेट इट? चलो अब मैं आ रहा हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पे। अब देखना, जैसा कि मैंने बोला प्रोजेक्शन क्या होता है कि मतलब चलो मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय वेक्टर, ठीक है? अब मैंने बोला इस लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इससे फोटो परपेंडिकुलर डाला, इससे फोटो परपेंडिकुलर डाला, दिस इज माय प्रोजेक्शन, अभी बताया था, ठीक है? अब मैं प्रोजेक्शन किसी के ऊपर भी ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लाइन के ऊपर लिया, हो सकता था मैं प्लेन के ऊपर भी ले सकता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा ये लाइन है और ये मेरा प्लेन है, तो मैं इससे फोटो परपेंडिकुलर दिस इज माय प्रोजेक्शन प्लेन पे, ये मेरा लाइन पे। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो, डायग्राम से बताना मुझे OP वेक्टर का प्रोजेक्शन Y एक्सिस पे क्या होगा, X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस पे, सोचो। मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन X एक्सिस Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, लिख लो पहले OP वेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो हमने ड्राइव किया था AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन लेट्स से Y एक्सिस क्या होगा, तो क्या करेंगे हम OP वेक्टर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उससे Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है ना? तो
ओ से ओपी, ओ से मैंने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, तो ओ पे जाके गिरेगा बिकॉज ओरिजिन लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो ओ से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो वो तो ओ पे जाके गिरा। और मुझे पता है कि पी से अगर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो कहाँ जाके गिरेगा, बी पॉइंट पे, जो मैंने डेरिवेशन के वक्त बताया। तो बेसिकली जो ओ बी आया मेरा, ओ बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट माई प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो बेसिकली क्या मिला हमें, दिस इज नथिंग बट बी जे कैप प्रोजेक्शन वेक्टर। बोलोगे तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना, अदरवाइज यू हैव टू टेल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरा ए आई कैप। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, दैट इज माई सी के कैप। तो अब पता चला बेसिकली जो हम लिखते हैं ये कंपोनेंट्स ए बी सी होता क्या है, इज कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन, दोनों वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। ए इज व्हाट, माय प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली बी इज व्हाट, प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एंड सी इज व्हाट, प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। सिंगल सिंगल लोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आएगा, और अगर दो दो का पेयर लोगे तो वो प्लेन्स पे आएंगे। जैसे मैंने ए आई कैप प्लस जी बी जे कैप लिया तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स वाई प्लेन, बी जे कैप प्लस सी के कैप लिया तो प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन, ए आई कैप प्लस सी के कैप लिया तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। अब कहानी क्लियर हो गई कि जो हम पढ़ते थे बेसिकली ये ए बी सी वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ठीक है। चलो तो पॉज करो वीडियो, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ही मान लो इसी से रिलेटेड है, तो मैं इस डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, बाकी चीजें मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब लिखो डायरेक्शन कोसाइंस, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस, लिख लो इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना, फील लेना इसकी क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले लिखवाने वाला पार्ट बाद में लिखवाता हूँ, पहले मैं समझाने वाला करता हूँ। तो पहले हम इसको समझने के लिए लेट्स से इस डायग्राम को एज इट इज रहने देता हूँ, अभी इस पे आऊँगा। बिफोर दैट लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, ठीक है ना। मैंने तीन एक्सिस बना ली, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस। अब मैंने जैसे इधर पॉइंट लिया था पी, कोई भी हवा में एक पॉइंट लिया पी, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट पी, दिस इज माय पॉइंट पी, फिर मैंने पी को ओ से ज्वाइन किया तो मेरे को क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो लेट्स से मैंने इसको ज्वाइन किया, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला कि पहले तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। तो पहले मैं डायरेक्शन एंगल्स बता रहा हूँ। मैंने बोला ओपी वेक्टर जो है, सुनना ध्यान से, ओपी वेक्टर या फिर हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, जो ओपी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। सुनना, इधर लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि जो ओपी वेक्टर है, दिस इज माय ओपी वेक्टर, लेट्स से वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है तो दिस इज माय बीटा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है तो दिस इज अल्फा, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा बना रही है तो दिस इज गामा। क्या बोला मैंने, जो ओपी वेक्टर है मेरा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो इन एंगल्स के कोसाइन, इन एंगल्स के कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर या फिर ओपी डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आया क्या बोला मैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलूंगा, इट इज कोसाइंस, किसके कोसाइंस, एंगल, कौन से एंगल, मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लिख लो, चलो मैंने बोला इट इज कोसाइंस, कोसाइंस, इट इज कोसाइंस ऑफ एंगल, ऑफ एंगल, कौन से एंगल, ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर या डायरेक्शन, कुछ भी लिख लो, मेड बाय वेक्टर या डायरेक्शन, इट इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल, इट इज द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेसेस। एक साथ कवर हो गया, मैंने प्लूरल फॉर्म यूज कर लिया, एक्सेसेस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द वेक्टर
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो इस डायग्राम के हिसाब से मेरा जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा। तो लिख लो इसको, तो कॉस अल्फा कोसाइन ऑफ अल्फा कॉस अल्फा, कोसाइन ऑफ नेक्स्ट एंगल दैट इज कॉस बीटा, एंड कोसाइन ऑफ गामा दैट इज कॉस गामा। दीज आर व्हाट माय, इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या हो गया, दोबारा एक बार लैंग्वेज फॉर्म में, कोसाइन ऑफ किसका कोसाइन, एंगल्स, कौन से एंगल्स, मेड बाय वेक्टर या फिर डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये भी लिख लो, अल्फा बीटा और गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी लिख लो, जो जनरल नोटेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, दे इन बुक्स यू विल फाइंड इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल स्मॉल एम एंड स्मॉल एन। लिख लो, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल स्मॉल एम एंड स्मॉल एन, दैट इज एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, m is equal to cos beta and n is equal to cos gamma। कोई भी डायरेक्शन है या कोई भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल्स। कौन से एंगल, वो डायरेक्शन जिस जो एंगल बनाएगा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ, उन एंगल्स का कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और ड्राइव करेंगे, एक अलग फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को, बट बिफोर दैट वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम से हटा देते हैं, ठीक है। ये आई होप लिख लिया होगा, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखना, अब मैंने बोला कि इस डायग्राम के हिसाब से अल्फा क्या है, जिस सी अल्फा क्या है, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर की बात चल रही है, अभी फाइनल वेक्टर हमारे पास ओपी है। तो ओपी वेक्टर जो एंगल्स बनाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रेड एक्सिस के साथ, दे आर अल्फा बीटा गामा। तो लेट से मैं बीटा पकड़ के चल रहा हूँ, वाई एक्सिस के साथ ले रहा हूँ। तो लेट से मैंने बोला कि ओपी वेक्टर वाई, दिस इज माय वाई एक्सिस, तो ये एंगल लेट से बीटा है, करेक्ट, और ये मेरा अल्फा हो जाएगा और ये मेरा गामा। तो एक साथ नहीं लिख के, नहीं तो वो क्या होगा, थोड़ा डायग्राम बेकार हो जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू बीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ड्राइव हो रही है। अभी जो मैं डेफिनेशन दूंगा ना डायरेक्शन कोसाइंस की, एक और उसी का डेरिवेशन देख रहा है। अब देखना, मैंने बोला इन अब जो ट्राइंगल है हमारा ओ पी बी, दिस इज माई पॉइंट बी, इट इज राइट एंगल, ओ पी बी इज वॉट माई राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। क्यों भाई, क्यों राइट एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल है ना। अभी देखा था हमने पी से बी को ज्वाइन किया, तो दिस इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, अब मैंने बोला इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कैन यू राइट वॉट इज कॉस बीटा, सिंपली कॉस बीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू राइट, बेस इज ओपी वेक्टर, मतलब ओबी का मैग्नीट्यूड विच इज स्मॉल बी, एंड ओ हाइपोटेन्यूज इज ओपी का मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ, देखा था हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गेटिंग इट, कॉस बीटा इज वॉट बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, अगर कॉस बीटा में इधर बी आ रहा है तो कॉस अल्फा में क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्टली कॉस गामा यू विल गेट सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गेटिंग इट। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये चीज़ तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ तो ड्राइव किया था, याद है कुछ, इधर चलो मिटा दिया, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये लिख लेना, ठीक है ना। एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। अब देखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, याद है कुछ ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कुछ तो लिखा था हमने, ओपी वेक्टर का क्या लिखा था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा के सेपरेट करके लिख रहा हूँ, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप।
ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। अब ध्यान से देखो ये क्या है मेरा cos alpha, if you notice this is cos beta and this is cos of gamma, very important चीज मिलने वाली है। और मैंने क्या बोला था, कोई भी वेक्टर है, लेट से मैंने वेक्टर ए लिखा, लेट से वेक्टर ए लिखा 2i cap plus 2j cap plus k cap, तो इसमें 2 1 1 क्या है, ये 2 और ये 1 क्या है, they are basically the components या projection। मैंने बोला था दो टर्म्स यूज करते हैं, या तो components या projection। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब डायरेक्शन कोसाइंस को मैं अलग डेफिनेशन दे रहा हूँ। पहले तो हमने क्या लिखा था कि इट इज़ द कोसाइंस ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स, मेड बाय डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो एंगल्स का कोसाइन इज डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं अलग डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। लिख लो, बहुत शॉर्ट हो गया, क्योंकि cos alpha क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, एंड आई कैप का कोफिशिएंट इज व्हाट, कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग जे एक्सिस, या फिर डायरेक्टली बोल दो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। और वो है क्या मेरे, cos alpha, cos beta, cos gamma, और वो होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब मैंने नई डेफिनेशन मेरी क्या निकल के आई, डायरेक्शन कोसाइंस लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस आर बेसिकली कंपोनेंट्स, आर बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना, तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, cos alpha, cos beta, cos gamma, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पॉज करो, इसको कॉपी करो, इतने पार्ट को रब कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई हमें वेक्टर दिया और बोला उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और जो भी आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो मेरा कॉस अल्फा हो जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट कॉस बीटा, और के कैप का कोफिशिएंट कॉस गामा। मैंने क्या बोला, लेट से कोई भी एग्जांपल, लेट से ये वाला वेक्टर दिया मुझे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को बोला इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, डीसीस डायरेक्शन कोसाइंस निकालो इसके, तो क्या करूँगा, इसको यूनिट वेक्टर बनाऊँगा, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाऊँगा, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3, तो यूनिट वेक्टर क्या मिला, 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। सो दिस विल बी माई कॉस अल्फा, दिस विल बी माई कॉस बीटा एंड दिस विल बी माई कॉस ऑफ गामा। सिंपल, कोई भी डायरेक्शन दिया है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसको हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। गेट इट। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट छोटा सा, तो मैं इस वेक्टर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने इधर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ओपी कैप को क्या लिख सकता हूँ, इन बड़े बड़ी चीज़ों को हटा के मैं कोसाइन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। गेट इट। अब कैन यू टेल व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, 1। क्यों, बेसिकली ये तो यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो हम डायरेक्टली एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बुक्स वगैरह में बहुत जगह मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज 1। क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या थे, यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट ना, और हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसके स्क्वायर का सम क्या होगा, 1। अच्छा, तो एक ये रिजल्ट याद रखना, इसी को टेक्स्ट बुक में और एक और फॉर्म में कैसे दिया होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इधर लिख सकते हैं 1 - sin² alpha, 1 - sin² beta, 1 - sin² gamma, तो इधर हो जाएगा 3 माइनस, तो फ्रॉम दैट व्हाट यू विल गेट, sin² alpha प्लस sin² beta प्लस sin² gamma इक्वल्स टू 2। अच्छा, डायरेक्शन साइन करके तो चीज़ होती है, डायरेक्शन साइन कुछ नहीं होता, डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन साइन कुछ नहीं होता, बट हम ऐसे लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को, दीज बोथ रिजल्ट्स आर सेम ओनली, वी हैव जस्ट अप्लाई वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों,
तो ये हो गया हमारा सब कुछ डिस्कशन अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक आध छोटा मोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। आज का लेक्चर भी एक दो बार अच्छे से मतलब फील के साथ देखना, नहीं आ रहा है दोबारा देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, टाइम जितना हो सकता है यू जस्ट अच्छे से देखना। मेरा कहने का मतलब हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो एग्जांपल जैसे ऐसे आ जाएगा, एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ एक स्टैंडर्ड, जैसे इस टाइप का आता है फाइन थीटा इफ इफ डायरेक्शन एंगल्स, इफ डायरेक्शन एंगल्स आर 30 डिग्री 60 डिग्री थीटा। मतलब उसने बोला किसी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन एंगल्स ये हैं, देन वी हैव टू फाइंड थीटा। तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो उससे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, मतलब थीटा मिल जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 30 इज कॉस 30 इज रूट 3/2, तो ये हो गया 3/4। कॉस 60 इज हाफ, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3/4 1/4 1 कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो दिस इज माय थीटा की वैल्यू, सिंपल एप्लीकेशन। अब मान लो इसी में कुछ और दे देगा, लेट्स से उससे बोला फाइंड थीटा इफ डायरेक्शन एंगल्स आर, लेट्स से उसने लिख लिया 60 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 1/2 का स्क्वायर 1/4, दिस इज 1/4, तो 1/2 हो जाएगा। तो इधर से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 1/2। तो इधर से कॉस थीटा की दो वैल्यू मिली, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से मुझे दो थीटा मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे, वो 1/√2 ले लेते हैं, माइनस 1/√2 भूल जाते हैं। तो उधर अपना क्वेश्चन खत्म हो जाए, मतलब मेन चीज़ तो वही है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। दो वैल्यूज आएंगी थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारा, पाई बाय 4, और कॉस थीटा माइनस 1/√2 मतलब 3π/4। सो वी आर गेटिंग टू डायरेक्शंस, वी आर गेटिंग टू डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/4। गेटिंग इट। तो फिर अपन आज का ये कर देख लेता हूँ, क्वेश्चन और दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज वी विल एंड अप नाउ। चलो एक और लिख लो, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है ना। इसको फिर अपन होमवर्क क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। लिखो एक होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड विच आर इक्वली इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा देखो, इक्वली इंक्लाइंड, इसको अंडरलाइन कर लेना, इक्वली इंक्लाइंड मतलब जरूरी नहीं इक्वल एंगल होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। इक्वली इंक्लाइन एंड इक्वल एंगल्स आर टू डिफरेंट थिंग। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, जैसे स्ट्रेट लाइन की बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि जब भी हम इंक्लिनेशन की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया एक लाइन, लेट्स से दिस इज 45, और लेट्स से मैंने ये एक लाइन ली, लेट्स से दिस इज 135। दीज टू लाइन्स L1 एंड L2, दीज टू लाइन्स L1 एंड L2 आर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब इन दोनों का स्लोप डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों
जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो डिफरेंट है, मतलब ये 45 बना रही है, 135 बना रही है, बट हम क्या बोलेंगे दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, ठीक है ना, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, बेसिकली हम ये वाला एंगल लेते हैं इंक्लिनेशन के वक्त, ठीक है, तो दिस जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है ना, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके बच्चों, तो फिर कल मिलते हैं वेक्टर के साथ हमारा फ्रेश एनर्जी, ओके, थैंक यू।